सो हे गाइस, आ चुके हैं एक नई वीडियो लेके। आज बात करेंगे मणिपाल यूनिवर्सिटी जो कि है जयपुर के अंदर, उसके बारे में जान लेंगे। पहले जानेंगे कि यार इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है, एडमिशन कैसे लें आप इस कॉलेज के अंदर। फिर बात करेंगे फैकल्टी मेम्बर्स कैसे हैं इसके। फिर बात करेंगे हॉस्टल लाइफ कैसी है इसकी, मतलब हॉस्टल कैसा है, इसमें मेस वगैरह कैसा है। फिर बात करेंगे लास्ट में प्लेसमेंट कैसे, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉलेज के पर्सपेक्टिव से। तो यार वीडियो देखना एंड तक, शेयर करना दोस्तों के साथ में और दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करना चैनल को, बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो बेसिकली जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी अपन ने अपनी लैपटॉप की स्क्रीन खोल रखी है और अपन लोगों ने ना उस पर खोल रखा है मणिपाल यूनिवर्सिटी का मेन वेबसाइट। जैसे कि देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा इनका कैंपस है, मतलब यार मतलब एकदम ब्रिटिशर्स जैसा लग रहा है मेरे को तो यार मतलब देखने में। बाकी तो यार इनकी वेबसाइट मेरे को ठीक लगी देखने में, पहली वेबसाइट इस पर बहुत बड़ा बड़ा दे रखा है, मतलब इतना अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब यार थोड़ा सा यार इरिटेटिंग सा लग रहा है मेरे को पर्सनली, मेरे को लग रहा है इरिटेटिंग सा। पहली बात कर लेते हैं यार इससे क्या करना अपन को, अब बात करते हैं कि यार अपन की कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं इस कॉलेज के अंदर। बेसिकली यार बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है कॉलेज, बेसिकली सारे के सारे जो कोर्सेज होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गई, मैनेजमेंट हो गया, फैशन हो गया, डिज़ाइन हो गया, लॉ हो गया, फिर कॉमर्स के जितने होते हैं सारे के सारे अवेलेबल है। मतलब यार मणिपाल यूनिवर्सिटी यार आप लोगों ने यार इन कैंपस के बारे में नहीं जानते तो किसके बारे में जानते आप, ये सब कुछ देते हैं। मतलब यार जो जो आप सुने भी नहीं होंगे ना अपने कोर्स के नाम, वो भी कराते हैं लोग, ठीक है। बात करते हैं अपन मेन बीटेक और बीआर वाले बच्चों के लिए। बीटेक वाले बच्चों का एडमिशन कैसे होता है अपन पहले ये बात कर लेते हैं। बीटेक वाले बच्चों का एडमिशन होता है जेई के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ जेई के थ्रू होता है। अगर अगर आपने जेई नहीं दिया तो उनका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसका नाम है मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, उसके बिहाफ पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। और अगर बीआर में जाना है आपको तो बीआर में भी आपका एडमिशन होता है इस कॉलेज के अंदर, बट आपको उसके लिए अपने नाटा जो होता है ना एग्जाम, उसके स्कोर दिखाने पड़ते हैं। उसके बाद में आपका एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है। अब उसका मुझे आइडिया नहीं कि वो पर्सनल इंटरव्यू कैसा होता है और किस रिस्पेक्टिव में होता है, तो बताते हैं कि यार जो इसके अलावा बीटेक और बीआर के अलावा जितने भी कोर्स अवेलेबल है इस कॉलेज के अंदर, उसमें आपका एडमिशन हो सकता है आपके ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। तो आज जाओ और एडमिशन ले लो। फिर बात करते हैं कि यार इसके फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं, कि फैकल्टी मेंबर्स एवरेज हैं इसके, इतने सपोर्टिव हैं कि आपको आपके डाउट के सोल्यूशन मिल जाएंगे। बाकी यार इतना इतने भी सपोर्टिव नहीं है कि आपको आगे ऐसे अच्छा कुछ ना कुछ पढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है आपको, ठीक है एवरेज मिल जाएंगे। कुछ तो अच्छे हैं कुछ नहीं है, मतलब नॉलेज है बट एक्सप्रेस करने में कभी कभी यार थोड़े से घबरा जाते हैं, फिर घबराते तो नहीं है बट आलस, यू नो आलस, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीज़ें आ जाती है उनके अंदर भी, तो वो भी नहीं बता पाते हैं। बाकी तो यार फैकल्टी मेंबर्स ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा प्यारा है, जैसे देख सकते हैं आप लोग, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ही यार ब्रिटिशर्स जैसा लग रहा है, बड़ा ही प्यारा है इन्होंने बना रखा है यार। बट लुक्स पे नहीं जा सकते अपन लोग यार, लैब्स वगैरह भी होनी चाहिए ना, तो लैब्स वगैरह सारे के सारे अवेलेबल हैं। उसके बाद में यार कैंटीन्स वगैरह बहुत सारी अवेलेबल है, मतलब एक दो कैंटीन नहीं है, चार चार कैंटीन अवेलेबल है कॉलेज के अंदर। लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, लाइब्रेरी जा सकते हैं किसी वक्त भी, बट यार एक कुछ रात का थोड़ा कम समय है, रात में आप लोग थोड़ा लेट तक नहीं जा पाएंगे, वो थोड़ा ड्रॉबैक है। बाकी तो यार मेरे को लगता नहीं कि लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ाई करेंगे बहुत देर तक, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इस कॉलेज के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, जैसे कि स्पोर्ट्स अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस वगैरह अवेलेबल है, और बैडमिंटन जो है वो भी अवेलेबल है। तो यार जो बेसिक नीड्स होती हैं जिम वगैरह की, वो भी अवेलेबल है, क्योंकि यार अगर जो कॉलेज इतना बड़ा है यार, यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, उसमें सब कुछ अवेलेबल तो होगा ही होगा यार, ठीक है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो सब कुछ तो देंगे देंगे लोग यार, बाकी तो यार भारी फीस होती है इनकी, सब कुछ देना ही पड़ेगा इनको। बाकी बात करते हैं कि यार फैकल्टी की बात हो गई, सब बात हो गई, अपनी बात करते हैं कि यार इसका जो हॉस्टल है, हॉस्टल लाइफ कैसी रहेगी आपकी। हॉस्टल यार ठीक ठाक से मान लीजिए, मतलब इतने ज़्यादा भी अच्छे नहीं है, ज़्यादा बुरे भी नहीं है। मतलब बेसिकली बताऊँ तो यार इनका जो हॉस्टल है उसमें एक रूम के अंदर दो लोग रह सकते हैं, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मतलब दो लोग रह सकते हैं इनके हॉस्टल्स के अंदर। हॉस्टल की जो क्लीनिनेस है वो ठीक ठाक है, और जो हॉस्टल के वॉशरूम है वो भी क्लीन होते रहते हैं, मतलब हर वक्त नहीं, मतलब एक टाइम के बाद में साफ होते रहते हैं, वो भी इनका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मेस का खाना भी अच्छा है, क्योंकि यार बताया जा रहा है कि यार अच्छा तो नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, मतलब मान सकते हैं कि एवरेज से ऊपर है, तो आप काम चला लोगे, मतलब आपको घर की या थोड़ी कम आएगी, या इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है ना होम सिकनेस की, वो आपको शायद से थोड़ी कम होगी। बाकी तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, क्योंकि यार बाकी तो यार आपको थोड़े दिन पसंद आएगा इसका खाना भी, उसके बाद आपका मन तो भरना ही है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्लेसमेंट कैसे है। बेसिकली प्लेसमेंट इसके यार प्लेसमेंट में यार ये बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं ये मात खाई जाते हैं मेरे को यार, मैंने देखा है कि कितना अच्छा स्ट्रक्चर हो, बट यार प्लेसमेंट की बात तो आती है ना लास्ट में, अल्टीमेटली अपन क्यों जाते हैं कॉलेज के अंदर।
अल्टीमेटली बात ये है कि एज उसके प्लेसमेंट है वो एवरेज से भी थोड़े नीचे नीचे जा रहे होते हैं यार। जितनी फीस ले रहा है एक कॉलेज उतना मतलब आउटपुट आपको नहीं दे रहा होता है। मैं क्लियरली बता देता हूँ, मतलब थोड़ा नेगेटिव लगेगा सुनने में, बट यार है ही इसकी रियलिटी है। इसका जो एवरेज पैकेज है वो 4 से 6 लाख के रुपये का पैक वो है। बाकी तो यार मुझे लगता है कि यार 4 से 6 लाख रुपये पर एनम, मतलब आप जो जयपुर के दूसरे कॉलेजेस हैं उनमें भी ट्राई कर सकते हैं, उनमें आपको मिल जाएगा। बल्कि और उसकी फीस उन कॉलेज में थोड़ी कम होगी। बाकी जिसका हाईएस्ट पैकेज है अप्रॉक्सीमेटली 11 से 15 लाख के बीच का ही है, ज़्यादा नहीं है। और इससे अगर ज़्यादा अगर आप सुनते हैं कहीं भी, तो मैं बता दूं यार इससे ज़्यादा अगर किसी का भी अगर पैकेज लगा इस कॉलेज के अंदर का, तो वो ऑफ कैंपस ही गया होगा। बाकी यार मैं यार बाकी तो आप समझ गए होंगे कि यार कैसा कॉलेज है। मेरा लास्ट ओपिनियन यह है कि बहुत महंगा कॉलेज है। अगर आपकी मजबूरी नहीं है इस कॉलेज में जाने की तो मत जाइएगा, क्योंकि यार अगर इतना महंगा अगर कॉलेज देखिए तो अच्छा आउटपुट नहीं आ पा रहा है अपने में, तो यार वो मतलब वर्थ नहीं है जाना। ठीक है, आपको अपने 4 साल अगर आपको इन्जॉय करने चाहते हैं कि आप अपनी कॉलेज की लाइफ बहुत अच्छे से इन्जॉय करके जाए, तो बिल्कुल अवश्य जाए इस कॉलेज के अंदर, मज़े करके आएंगे। बहुत सारे और हर कैंटीन में डिफरेंट दोस्तियाँ होगी, तो और मज़े आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा। यार मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यार आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो, और एक बताइएगा बात कि इस वीडियो के बाद में आपको किसका रिव्यू चाहिए, अपन उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, उसके पर वीडियो बनाऊंगा मैं। और यार आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको शेयर करो दोस्तों के साथ में और दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करो चैनल को। बाकी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नाउ।